नमस्कार, दिस इज ध्रुव ज्योति शाह वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू एंड टुडे आई एम बैक विद माय मोस्ट फेवरेट सुपर सीरीज यूनिवर्सल नॉलेज एंड टुडे माय टॉपिक इज मैच्योरिटी। व्हाट इज मैच्योरिटी, परिपक्वता या प्रौढ़ता ये क्या है? तो आज मैं आपको 10 ऐसे विषय बताने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 फीचर्स दैट विल डिफाइन मैच्योरिटी एंड इट विल ऑल्सो टेल यू वॉट मैच्योरिटी इज नॉट। तो मैं आपको यह कहने वाला हूँ कि मैच्योरिटी क्या है और क्या नहीं भी है। इन सिंपल टर्म्स, वॉट इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या है, प्रौढ़ता क्या है? मैच्योरिटी इज, और अ पर्सन इज मैच्योर्ड, इज सेंसिबल, इज वर्चुअस, इज वाइज एंड गुड। So let us go ahead and incisively I will tell you the 10 features of maturity. First, a matured person is aware of his or her limitations. एक प्रौढ़ इंसान अपनी सीमाओं को पहचानता है। एक लोग कहते हैं ना कि इंसान को अपने औकात पर रहना चाहिए। So a person who is matured is aware of his limitations. But a matured person is not perfect. He commits mistakes, but he learns from it. एक प्रौढ़ इंसान से गलतियां हो जाती है, लेकिन वो गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है. Okay? So first point is, a matured person is aware of his limitations. Second is, a matured person is wise. He is not impulsive or foolish person. एक प्रौढ़ इंसान बुद्धिमान होता है या बुद्धिमती होती है। थर्ड फीचर, अ मैच्योर्ड पर्सन इज हम्बल, विच मीन्स दैट पर्सन इज नॉट प्राउड और डजंट थिंक आई एम सुपीरियर टू अदर पीपल। जो इंसान मैच्योर्ड होता है, प्राउड होता है, वो नम्र होता है, वो कभी ये नहीं सोचता मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं कि मैं नंबर वन हूं, नहीं, वो यह सोचता है कि मुझसे भी कोई बेहतर हो सकता है, तो वो नम्र होता है। तो जो इंसान में नम्रता नहीं है वो मैच्योर्ड नहीं कहा जा सकता है, याद रखिएगा। चौथा विषय है, अ मैच्योर्ड पर्सन इज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। जो इंसान मैच्योर्ड होता है, प्राउड होता है, वो सिद्धांतों पे तो अटल होता है, लेकिन वो दूसरे की बातों को भी सुनता है, कदर देता है। वो कभी यह नहीं कहता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। जहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, जहाँ पे परिवर्तन की ज़रूरत है, वो परिवर्तन करता है। ओके, सो अ मैच्योर्ड पर्सन इज फ्लेक्सिबल, विलिंग टू मेक चेंजेस व्हेन नेसेसरी, ही इज नॉट रिजिड। फिफ्थ पॉइंट, अ मैच्योर्ड पर्सन इज पीसेबल। एक प्रौढ़ इंसान, एक परिपक्व इंसान शांति के साथ जीवन को बिताना चाहता है, बिताता है, वो झगड़ा लड़ाई से दूर रहता है। सो अ मैच्योर्ड पर्सन इज पीसेबल, अ लवर ऑफ नॉन वायलेंस। सिक्स्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अ मैच्योर्ड पर्सन इज विलिंग टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। ही डजंट से आई एम राइट यू आर रॉन्ग, मैं सही हूँ आप गलत हो। जब विचार अलग अलग होता है वो दूसरे के विचार को भी मानने को तैयार है, अलग अलग विचार को अपनाने को तैयार है। विचार तो अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक विचार को सम्मान देना, कदर देना, ये एक मैच्योर्ड इंसान की निशानी है। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज दैट ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। सेवन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अ मैच्योर्ड पर्सन इज अ रियलिस्ट, ही और शी views life as it is, which means a matured person doesn't live in a fantasy world. एक परिपक्व इंसान एक सपनों के दुनिया में नहीं रहता है, जैसा जिंदगी है उसी नज़र से जिंदगी को देखता है। ना तो वो ज़्यादा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्ट होता है, ना तो वो ज़्यादा नकारात्मक या पेसिमिस्ट होता है। A matured person is a realist and sees life as it is. Eighth point is, a mature person is willing to learn, improve and grow.
एक परिपक्व इंसान सीखने की इच्छा रखता है, इम्प्रूव सुधार करने की इच्छा रखता है और अपने आप को बढ़ाता है। काफ़ी लोग 70-80 साल जीवन को बिताते हैं लेकिन कभी इवॉल्व नहीं करते, ऐसा ही रह जाते हैं, बस बुढ़े होकर मर जाते हैं। लेकिन जो मच्योर्ड होता है वो क्या सोचता है, मुझे सब मालूम नहीं है, मुझे और ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। दैट इज़ द सिंबल ऑफ मैच्योरिटी। ओके, अ मैच्योर पर्सन इज विलिंग टू लर्न, इम्प्रूव एंड ग्रो। 9th पॉइंट इज, अ मैच्योर पर्सन इज नॉट सेल्फिश, ही लव्स हिमसेल्फ बट इज नॉट सेल्फिश। व्हाट डज इट मीन, अपने आप को प्यार करना और स्वार्थी ना होना, इसका अंतर क्या है? आई विल टेल यू, अ पर्सन इज मैच्योर बिलीव्स इन विन विन सिचुएशन, अर्थात मेरा भी भला हो आपका भी भला हो। लेकिन जो स्वार्थी इंसान होता है वो क्या सोचता है, मेरा भला हो भला ही आपका नुकसान हो जाए, दूसरों का नुकसान हो जाए। लेकिन जो मैच्योर होता है वो क्या सोचता है, मेरा भी भला हो दूसरों का भी भला हो, मैं भी जीतूँ आप भी जीते, यानी कि मैं जीत जाऊँ आप हार जाए आपका नुकसान हो, ये मैच्योरिटी नहीं है। सो मैच्योरिटी इज यू विन आई विन, लेट अस ऑल विन। एंड फाइनली, अ मैच्योर पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन। इट डजंट मीन दैट हो हा हा, अ मैच्योर पर्सन इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ही माइट गो थ्रू डिफिकल्ट चैलेंजिंग मोमेंट्स इन हिज लाइफ बट ही फाइट्स बैक इंटरनली, ही फील्स हैप्पी एंड प्रोमोट्स हैप्पीनेस। सो इवन ही गोज थ्रू डिफिकल्ट मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स इन हिज लाइफ, ही कम्स आउट, ही हील्स एंड ही लिव्स एज ए चीयरफुल एंड हैप्पी पर्सन। सो लेट्स टेक रिकैप द 10 पॉइंट्स। अ मैच्योर पर्सन इज अवेयर ऑफ हिज लिमिटेशंस, अपनी सीमाओं को जानता है, एंड अ मैच्योर पर्सन इज नॉट परफेक्ट। सेकेंड, अ मैच्योर पर्सन इज वाइज नॉट फुलिश, अर्थात वो एक बुद्धिमान इंसान है, मूर्ख नहीं है। थर्ड पॉइंट, अ मैच्योर पर्सन इज हम्बल, या वो एक नम्र इंसान है, वो घमंड इंसान नहीं होता है। अ मैच्योर पर्सन इज नॉट एरोगेंट और फील सुपीरियर टू अदर पीपल। अ मैच्योर पर्सन इज फ्लेक्सिबल, फेरबदल करने की प्रयत्न करता है, अपने जिद पे अड़ा नहीं रहता है। अ पर्सन इज नॉट रिजिड। फिफ्थ, अ मैच्योर पर्सन इज पीसेबल, वो शांति के साथ जीवन को बिताता है, एंड इज अ लवर ऑफ नॉन वायलेंस, ही स्टेज अवे फ्रॉम क्वारल एंड वायलेंट एक्टिविटीज। अ मैच्योर पर्सन इज विलिंग टू एक्सेप्ट द डिफरेंसेस, जब सोच विचार अलग अलग होता है उन विचारों को भी मानने को तैयार है। सेवेंथ इज, अ मैच्योर पर्सन सीज लाइफ एज इट इज, वास्तविक इंसान है, ओके, एंड डजंट लिव इन ए फैंटेसी वर्ल्ड, सपनों के दुनिया में नहीं रहता है। अ मैच्योर पर्सन इज विलिंग टू लर्न, इम्प्रूव एंड ग्रो। अ मैच्योर पर्सन, जो प्रॉड इंसान है, सीखने को तैयार होता है, अपने आप को सुधार करने का प्रयत्न करता है और आगे बढ़ता है। एंड द 9th पॉइंट इज, अ मैच्योर पर्सन विंस इन विनिंग एंड हेल्प्स अदर पीपल टू विन। मैं भी जीतता हूँ आप मेरे साथ भी जीत जाओ, मेरा भी भला हो आपका भी भला हो। एंड द 10th पॉइंट, अ मैच्योर पर्सन इज अ हैप्पी पर्सन, एक प्राउड इंसान खुश रहता है। सो द क्वेश्चन इज, आर यू अ मैच्योर पर्सन? नाउ यू कैन गिव द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।